मंत्री डॉक्टर मोहन यादव बिहार दौरे पर हैं और यहाँ यादव समाज के कार्यक्रम में वे शिरकत करेंगे। बता दें आपको कि चाय पर चर्चा मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव करेंगे। वीरचंद पटेल मार्ग स्थित बीजेपी प्रदेश कार्यालय पहुंचेंगे। तमाम विधायकों के साथ, सांसदों के साथ, पदाधिकारियों के साथ चुनावी मंथन किया जाएगा। तो महत्वपूर्ण खबर है, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव बिहार का दौरा उनका रहेगा। सेठ हैंगर पर उनका स्वागत किया जाएगा। यादव समाज का कार्यक्रम जिसमें शिरकत करेंगे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव। तो देखिए, मोहन के बिहार जाने के मायने आखिर क्या है। ओबीसी और यादव वोटर पर फोकस किया जाएगा। यादव को वोटर्स को साधने की तैयारी है। आपको बता दें कि बिहार में करीब 14% से ज्यादा यादव वोटर्स हैं और बिहार में मोहन यादव स्टार प्रचारक उन्हें बनाने की तैयारी है। जब मुख्यमंत्री बनाया गया था डॉक्टर मोहन यादव को, तभी से ये बातें निकलकर सामने आ रही थी कि डॉक्टर मोहन यादव के जरिए यादव समुदाय को साधने की कोशिश की जा रही है। बिहार और यूपी के जो खासतौर पर तमाम जो यादव वोटर्स हैं, ओबीसी वोटर्स हैं, उन्हें साधा जाएगा। और देखिए, कुछ इसी तरह की प्लानिंग इस वक्त इन दौरों के जरिए जो मायने निकाले जा रहे हैं वो समझ में भी आ रहे हैं। बिहार में 14% से ज्यादा दरअसल यादव वोटर्स हैं और बहुत महत्वपूर्ण है ओबीसी और यादव वोटर्स पर फोकस करना चुनावी लिहाज से, क्योंकि लोकसभा चुनाव बेहद नजदीक। और एग्जीक्यूटिव एडिटर मनोज सैनी जी हमारे साथ इस वक्त फोनलाइन पर जुड़ गए हैं। मनोज जी, जब मुख्यमंत्री का पद सौंपा गया था डॉक्टर मोहन यादव को, उसी समय से कयास लगाए जा रहे थे कि यूपी और बिहार से साधने का एक प्रयास, लेकिन अब बिहार का दौरा और उसके मायने क्या निकाले जाए, कितना महत्वपूर्ण सर लोकसभा चुनाव से पहले ये दौरा मुख्यमंत्री का? देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि 14.6 के आसपास वहाँ यादव वोटर्स है और यादवों का आप देखें, लालू प्रसाद यादव रहे हों या बाकी रघुनंदन यादव, तमाम तरह के एक अलग नेता होते रहे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के पास खासकर बिहार और यूपी में कोई ऐसा चेहरा नहीं है। भूपेंद्र यादव को यदि हम छोड़ दें जो अभी राज्यसभा सदस्य है और केंद्रीय मंत्री है, उनके अलावा कोई दूसरा चेहरा ऐसा नहीं है जो यादवों के लिए कुछ कर पाए। और इसीलिए की बड़ी राजनीतिक तौर पर मोहन यादव को मध्यप्रदेश की जिम्मेदारी दी। ओबीसी और यादव दोनों वर्गों को साधने का प्रयास है भारतीय जनता पार्टी का, और मोहन यादव को एक ऐसा यादवों का चेहरा बनाकर बीजेपी पेश करना चाहती है। जैसा आज देख रहे हैं पटना में उनके कई तरह के कार्यक्रम है, यादव समाज की तरफ से उनका स्वागत सत्कार भी किया जाएगा, अभिनंदन किया जाएगा, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर भी पहुंचने वाले हैं। तो पिछली बार जिस तरह सीटों का अंतरमा दिखाई दिया था, बीजेपी ये चाहती है। अभी तो हम ये भी देख रहे हैं कि भारद्वाज अलग है भारतीय जनता पार्टी से, हम दूसरी तरफ देखें और बाकी चीजें देखें तो बड़ी वैसी दिखाई नहीं देती, लेकिन बीजेपी का रणनीतिक तौर पर बढ़ना चाहती है। ओबीसी और यादवों पर नजर है बीजेपी की, इसीलिए मोहन यादव जी को वहां चेहरा बनाकर पहुंचाया है। अब आज किस तरह के और कार्यक्रम रहते हैं, लेकिन जो तस्वीरें नजर आ रही वो ये साफ बयां कर रही है कि बीजेपी यादवों के जरिए, ओबीसी के जरिए 2024 का एक अलग तरह का रास्ता बिहार और यूपी में बनाना चाहिए। शुक्रिया आपका मनोज जी फिलहाल तमाम बातचीत के लिए। तो मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का बिहार दौरा और काफी मायनों में ये महत्वपूर्ण है, खासतौर पर लोकसभा चुनाव के मद्देनजर।